हाथरस जनपद में चोर लुटेरे अपनी अपराध की घटनाओं को अंजाम देने से पीछे नहीं हट रहे, तो पुलिस भी उनसे एक कदम आगे चल अपराध खत्म करने की मुहिम में जुट गई है। ताजा मामला बीती रात का है। कोतवाली शासनी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ अपराधी किस्म के लोग किसी अपराध की घटना की योजना बनाकर इगलास शासनी रोड पर जा रहे हैं। शासनी कोतवाली प्रभारी प्रदीप कुमार मैफोर्स के वाहन चेकिंग में लग गए। लूटे गए ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर बदमाश उधर से निकल रहे थे, जब उन्होंने खुद को घिरा पाया तो ट्रैक्टर पर सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश की। एसपी सुशील घुले का कहना है कि अपना बचाव करते हुए पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। काफी देर तक चली इस मुठभेड़ में 5 हमलावर गिरफ्तार कर लिए। 3 इस मुठभेड़ के दौरान भागने में कामयाब हो गई। सैपो पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मुठभेड़ के बाद भागे 2 अपराधियों को हथियारों के साथ पकड़ लिया। एसपी सुशील घुले का कहना है कि शासनी व सैपो कोतवाली पुलिस ने 13 मार्च को हुई आलू से भरी ट्रैक्टर लूट के साथ और आरोपियों को 200 कट्टे आलू ट्रैक्टर ट्रॉली व 7 तमंचे 14 कारतूसों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। एक फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। जल्द ही जनपद से अपराध को खत्म कर अपराध करने वाले सभी अपराधियों को जेल भेजा जाएगा। हाथरस से नीरज चक्रपाणी की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज। 13 तारीख को सैपो में घटना हुई थी, जिसमें रात के समय एक व्यक्ति का आलू के बोरे भरा हुआ ट्रैक्टर लूट लिया गया था। इसमें जो अभियुक्त इन्वॉल्व थे उसको शास्त्री और सैपो के ज्वाइंट टीम ने कार्रवाई करते हुए पकड़ लिया है। 7 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं, जो लोग लूट करने में कार्य करने में थे और जो लोग इसके बाद जो माल बेचने में थे, उन सभी को गिरफ्तार किया गया है। वो ट्रैक्टर और जो पूरे ट्रॉली उसके साथ जितने भी आलू के बोरे थे, पूरा माल 100% इसमें बरामद है। इन लोगों के खिलाफ पूर्व आपराधिक इतिहास भी है, जो फिरोजाबाद से इनके ऊपर पिछले साल का एक रजिस्ट्रेशन था।